नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपको भी पेट में हमेशा गैस रहती है? गैस के लिए होम्योपैथिक में बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है सिनापिस एल्बा। इसे वाइट मस्टर्ड यानी कि सफ़ेद राई से बनाया जाता है। अलग अलग कारणों की वजह से गैस हो सकती है, जैसे कि नाइट शिफ्ट या फिर गलत खान पान, IBS मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर एसिडिटी, और भी कई इसके कारण हो सकते हैं। लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, कैलिकार्प, चाइना, काफ़ी दवाइयाँ जो है वो होम्योपैथिक में गैस के लिए दी जाती हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो है सिनापिस एल्बा। सिनापिस के सिम्टम ये हैं कि इसमें टंग में येलोइश कोटिंग रहती है और मुंह से स्मेल आती है। अगर पेशेंट को वाइट कोटिंग है टंग पर, तो एंटीमक्रूडम या एंटीमोनियम टार्टारिकम की तरफ भी केस जा सकता है। सिनापिस के पेशेंट में लार बहुत टपकती है, हमेशा मुंह जो है वो सलाइवा से भरा रहता है। अगर मुंह खोला एकदम से लार गिर जाती है, तो इस पर्टिकुलर सिम्टम के लिए भी सिनापिस एल्बा दी जा सकती है। कई पेशेंट्स को जो है गैस के कारण खाना खाने का मन ही नहीं करता है, जी मिचलाता है, नॉजियाटिक फीलिंग होती है, मीन्स उल्टी का मन करता है, उल्टी आने जैसा होता है, जिसे कि जिदोरा बोलते हैं। तो इन सिम्टम्स के लिए सिनापिस दी जा सकती है, लेकिन जो पिक्यूलर सिम्टम मैच होना चाहिए वो ये है कि इसमें आराम करने से जो है वो गैस जो है उसमें आराम आता है। अगर आप आराम कर रहे हैं, आप लेट गए हैं, बैठ गए हैं, 15-20 मिनट अगर आपने रेस्ट कर लिया है, तो गैस थोड़ी कम हो जाती है। और यदि आपने चल फिर रहे हैं या आप कुछ वर्क कर रहे हैं, तो फिर वो गैस जो है और बढ़ने लगती है। ये थोड़ा सा रिवर्स सा सिम्टम है, क्योंकि जनरली जो है चलने फिरने से, कुछ मूवमेंट करने से गैस में थोड़ा पेशेंट को रिलीफ होता है, लेकिन इसमें इससे रिवर्स होता है। इसमें जो है चलने फिरने से और ज़्यादा गैस महसूस होती है। तो इस सिनापिस का एक पिकुलर सिम्टम हो जाता है, जिसके बेस पे ये दवाई प्रिस्क्राइब की जा सकती है। सिनापिस के पेशेंट में एसिडिटी के कारण जो है मुंह में म्यूकस भरा रहता है और जी मिचलाने जैसा लगता है, भूख लग रही होती है फिर भी जो है खाना खाते हुए ऐसा लगता है जैसे पेट भरा हुआ सा है, डकारे सी आ रही है, एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है। पर ये सब जो है ये कई मेडिसिन में है सिम्टम, तो ये इतने पिकुलियर सिम्टम नहीं है। पिकुलियर सिम्टम ये है कि जब पेशेंट जो है स्टूल पास करता है, तो एनल में स्पाजम आता है। उसका कारण ये है कि थ्रेड वर्म्स जो है वो पॉटी से गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं, मीन्स कृमि या कीड़े जिसे हम बोलते हैं वो पॉटी से निकलते हैं। तो कीड़े साथ में एनल स्पाजम भी अगर हो रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा इसमें काम कर सकती है। जिन लोगों को कैथेटर लगाना पड़ता है किसी भी कारण से, तो अगर एक वीक भी कैथेटर रह जाए, तो फिर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद में यूरिन का जो कलर है वो डार्क ब्राउन येलोइश हो जाता है, जैसे बियर के कलर जैसा जो है यूरिन का कलर हो जाता है, और बहुत ही बदबूदार इसमें स्मेल रहती है। तो अगर ये सिम्टम्स है कि कैथेटर लगने के बाद में, जब कैथेटर वीक रह गया है, बाद में UTI हो गया है, यूरिन का कलर जो है वो डार्क हो गया है और स्मेली हो गया बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में जो है ये मेडिसिन अच्छा काम करेगी। फ्रेंड्स, आज हमने सिनापिस के बारे में बात की। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने गैस और एसिडिटी के बारे में एक दो वीडियोस और भी पहले बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर उसे चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।